हेलो एवरीवन, मैं निशा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ये मेकअप लुक। पसंद आएगा तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। साइड में बेल बटन, उसको ज़रूर आप लोग प्रेस करें कि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। चलिए आप लोग देख लीजिए इस मेकअप लुक को मैंने कैसे किया है। सबसे पहले मैं स्किन केयर करूंगी। यहाँ पे मैं टोनर अप्लाई कर रही हूँ। ओजोन का क्लासिक कुकुम्बर टोनर है। ये टोनर आपकी स्किन पे ग्लो भी प्रोवाइड करेगा। समर के लिए बेस्ट टोनर है और इजली आपको मार्केट में मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि आप ऑनलाइन ये इस टोनर को लें, आपको मार्केट में ही मिल जाएगा। और टोनर अप्लाई करने से स्किन के पीएच लेवल को ये मेंटेन करता है। इसके बाद यहाँ पे मैं मॉइस्चराइजर क्रीम लगाई हूँ। इसके बाद मैं अपने लिप्स को लिप बाम लगाऊंगी कि लिपस्टिक लगाने के पहले हमारे लिप्स जो हैं सॉफ्ट रहें। इसके बाद मैं फेयर लवली बीबी क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। ये क्रीम सबके पास रहता है, कोई भी इस मेकअप लुक को कर सकता है। आज कोई सीसी क्रीम और फाउंडेशन नहीं अप्लाई कर रही हूँ। बीबी क्रीम को ही थोड़ा सा मैं ज़्यादा लगा रही हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और हाथों से ही मैं ब्लेंड कर रही हूँ, ईजिली ब्लेंड हो जाता है। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। और नेक एरिया पर भी आप थोड़ा सा लगाएँ कि फेस और नेक इक्वल दिखे। इसके बाद यहाँ पर मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। और सॉरी आप लोग को मैं बता दूँ, मैं देख रही हूँ कि प्राइमर वाला क्लिप क्या हुआ, प्राइमर वाला क्लिप मिस हो गया है शायद। तो आप जब भी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम और फाउंडेशन लगाते हैं उसके पहले प्राइमर लगाना होता है। प्राइमर लगाने से जो पोर्स हैं ब्लर आउट हो जाते हैं, तो फाउंडेशन कंसीलर की लेयर जो है अंदर तक नहीं जाती स्किन के, तो आपकी स्किन पे पिंपल्स वगैरह नहीं निकलते हैं। तो आप ज़रूर लगाएं। इसके बाद मैं कम्पैक्ट से अपनी जो ये बीबी क्रीम लगाया है उसको मैं सेट कर रही हूँ। इसके बाद मैं आई मेकअप करूँगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं अपने आईब्रो को सेट कर रही हूँ। तो ये स्विच ब्यूटी का ब्राउन आईब्रो पेंसिल मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरे दोनों आईब्रो फिल हो गए। इसके बाद इस पुली की हेल्प से अपनी आईब्रो को मैंने सेट कर लिया। इसके बाद आई मेकअप करने के लिए ग्लैम 21 का मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे आई लिड पे और क्रीज लाइन पे मैं पीच कलर लेके अप्लाई कर रही हूँ। जब भी आई मेकअप करते हैं तो कोई लाइट शेड लेके सबसे पहले अप्लाई करिए। इसके बाद जो भी आप आई शेडो लगाएंगे तो उभर के आएगा। यहाँ पे मैंने फिर अगेन दूसरे ब्रश से ये ब्लू शेड ली हूँ मैं, और यहाँ पे कॉर्नर से लेके क्रीज लाइन तक मैं अप्लाई करूँगी। अगेन मैं उसी पैलेट से सिल्वर शेड लेके और इनर कॉर्नर से लेके सेंटर पार्ट तक मैं अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करने के बाद मैं ब्लेंड कर रही हूँ। आप जब भी आई मेकअप करते हैं स्लोली ब्लेंड करें, आपके आई मेकअप वैसे ही अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ, सिल्वर लिक्विड ग्लिटर है और इबोनी लंदन का। और लगाने के बाद मैं इसको ब्रश से थोड़ा ब्लेंड कर रही हूँ, थोड़ा सा फिनिश लुक आए और इजली ये ब्लेंड हो जाता है। और इसके बाद मैं ब्लू शेड लेके वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। इससे क्या होता है आपकी आंखें बड़ी दिखती हैं। और यहाँ पे मेरे आई मेकअप हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद मैं आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। ये स्विच ब्यूटी का आईलाइनर है। जो भी मैंने प्रोडक्ट यूज किया है आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, वहाँ से आप लोग एक बार चेक कर लें। दोनों आँखों में मेरे आईलाइनर लग गए। और उसी ग्लिटर से मैं सिल्वर जो ग्लिटर अप्लाई किया था मैं वाटर लाइन पर भी अप्लाई कर रही हूँ। इससे आप काजल लगाएंगे ना तो काजल जो है ना आपका उसमें थोड़ा सा सिल्वर लुक आएगा, तो वो और अच्छा दिखेगा। एक बार जरूर इस तरीके से आप अप्लाई करें। तो यहाँ पे जब भी आप सिल्वर ग्लिटर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काजल भी मैंने अप्लाई कर लिया। और काजल मैं इनवाइबे का अप्लाई की थी। और इसके बाद मैं मस्कारा लगा रही हूँ, और ये है विला ऑस्टे का मस्कारा। तो मस्कारा अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ। और ब्लशर थोड़ा मैं कम ही लगाऊंगी, मेरा आई मेकअप थोड़ा सा ज़्यादा है तो ब्लशर थोड़ा कम अप्लाई करें। जब भी आप आई मेकअप बोल्ड करते हैं तो ब्लशर थोड़ा कम अप्लाई करें। तो यहाँ पे मैं पिंक ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ। और इसके बाद मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ अपने चिक बोन पे, फोरहेड पे, मैं जहाँ जहाँ हाइलाइटर पॉइंट है वहाँ पर मैं हाइलाइटर अप्लाई करूँगी, यहाँ पर ब्रो बोन पे। तो इससे क्या है आपकी आंखें जो हैं उभर के आएंगे। तो यहाँ पे सारे जगह मैं हाईलाइट कर दी। इसके बाद मैं यहाँ पे लिपस्टिक भी अप्लाई कर लिया। ये इनवाइबे का पिंक लिपस्टिक है। और मेरे मेकअप हो गए हैं तो यहाँ पे मैं सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर रही हूँ। आप डायरेक्ट सेटिंग स्प्रे भी अप्लाई कर सकते हैं या ब्यूटी ब्लेंडर पे भी स्प्रे करके आप अपने फेस पे ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरा फाइनल लुक है। मैं यहाँ पे बिंदी लगा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। आई होप आप लोग को मेरा ये लुक पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। अगेन आप लोग से मैं बोल रही हूँ, चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने चैनल पे ब्लॉग भी डालती हूँ, होम रेमेडी भी डालती हूँ। कुछ ना कुछ ज़रूर आप लोग को पसंद आएगा जो आप लोग देखेंगे। मैं मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।